हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल मेडिस्टार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी के समय 1 से 5 साल तक के बच्चों में टाइफाइड का इलाज किस तरीके से किया जा रहा है, मतलब किस तरीके से किया जाएगा, मतलब जो इस समय बरसात चल रही है, तो जब इस समय टाइफाइड हो रहा है 1 से 5 साल के बच्चों में, तो उसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट देंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट की, मैक्सिमम 4 मिनट की वीडियो हो सकती है, इसको आप देख लें, क्योंकि हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। काफ़ी वीडियो में हम देखते हैं यूट्यूब पर अवेलेबल होती हैं, उसमें पहले खूब अच्छे से कहानी वगैरह बताई जाती है, तब जाके ट्रीटमेंट बताया जाता है, या फिर कोई भी वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पहले कहानी सुनाई जाती है तभी मेन मुद्दे पर बात किया जाता है, तो हम डायरेक्ट मेन मुद्दे पर ही बात करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया है ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, वीडियो देखकर किसी भी दवा का सेवन ना करें। ओके, यहाँ देखिए एक इंजेक्शन लिखा गया है सेफ्ट्रियाजोन, बेसिकली सेफ्ट्रियाजोन मतलब मोनोसेफ नाम से, किसी भी नाम से ले सकते हैं। इसको 50 से 75 mg पर kg पर डे के हिसाब से लगाना होता है, डिवाइडेड डोज में लगाना होता है, 5 डेज तक लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, कोई बच्चा 10 किलोग्राम का है, उसको 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 500 mg, उसको 500 mg देना है, क्या देना है, सेफ्ट्रियाजोन देना है। इसको क्या करेंगे, आप डिवाइडेड डोज में देंगे, चाहे 2 बार चाहे 3 बार में 500 mg उसके बॉडी में डिलीवर करना है। ठीक है, कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो वजन के हिसाब से इसको आप कैलकुलेट करेंगे। एक सिरप आता है सिफिक्जीन 50 mg, आप GP50 नाम से ले सकते हैं, 4 से 5 ml, ठीक है, 4 से 5 ml दिया जा सकता है, BD दे सकते हैं 21 दिन तक, 1 से 3 साल के बीच हम बता रहे हैं, अगर 1 से 1.5 साल 2 साल के बीच बच्चा है तो उसको 4 ml BD दे देंगे, और अगर मतलब 2 से ऊपर है तो उसको 5 ml BD देंगे, 21 दिन तक दे सकते हैं, या एक एंटीबायोटिक हो गया, साथ में एक और एंटीबायोटिक दे देंगे। सिरप आता है JD, इसमें एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है, 4 से 5 ml देना है, OD देना है, मतलब दोपहर में दे सकते हैं इसको आप, 21 दिन तक इसको भी दे सकते हैं। इस तरीके से डबल एंटीबायोटिक हो गया, बुखार को तो भागना ही है, मतलब जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइप ही, इसको जो है किल होना ही है। ओके, तो इतना काम हो गया, अब क्या करेंगे, बुखार वगैरह भी चढ़ता है तो सिरप आता है पैरासीटामॉल 250, कालपाल 250 नाम से ले सकते हैं, इसको 5 ml BD या फिर TDS के हिसाब से 21 दिन तक दिया जा सकता है। ओके, वैसे तो BD देंगे तो बुखार कंट्रोल रहेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो TDS भी चलाया जा सकता है। पेट वगैरह सही रहे उसके लिए ड्राप देते हैं एरिस्टोजाइन, इसको जो है 15 बोध देना है, BD देना है, 21 दिन तक इसको भी दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा सा कमजोरी वगैरह आ जाती है बच्चों में, तो उसके लिए बीकासूल सिरप आता है 2.5 ml OD देना है, 21 दिन तक इसको भी दे सकते हैं। इतना तो कम्प्लीट ट्रीटमेंट था 1 से 3 साल के बच्चों में टाइफाइड का। अब क्या हुआ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन और होगा, 3 से 5 के बीच हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए 3 to 5 years में क्या करेंगे, सेम काम करना है, सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन लेंगे 50 to 75 mg पर kg पर डे के हिसाब से, डिवाइडेड डोज में देना है, 5 डेज तक दे सकते हैं। और क्या हुआ, एक GP50 सिरप आता है, इसमें सिफिक्जिम 50 mg पाया जाता है, 6 से 8 ml देना है, BD देना है, 21 दिन तक दे सकते हैं। 3 साल का बच्चा है तो 6 ml BD दे देंगे, अगर 4 साल से ऊपर हो रहा है तो उसको जो है 7 ml BD, या फिर जो है लगभग 4.5 साल से ऊपर है तो उसको 8 ml भी BD दिया जा सकता है 21 दिन तक, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है 6 to 8 ml। ओके, क्लियर हो रहा होगा। सिरप आता है JD, 5 ml OD देना है, 21 डेज तक दे सकते हैं। OD का मतलब यहाँ जो GP देंगे, OD देना मतलब दिन भर में एक बार देना और उसको दोपहर में देना। ओके, कालपाल 250 mg सिरप आता है, इसको 7 ml जो है BD या फिर TDS चलाया जा सकता है 21 दिन के लिए। ड्राप एरिस्टोजाइम आता है, 20 बूथ देंगे, BD देंगे, 21 दिन तक देंगे। ओके, बीकासूल सिरप 3 ml BD दे सकते हैं 21 दिन तक, इससे जो है कमजोरी वगैरह पेट वगैरह सब कुछ सही रहेगा, और साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया भी किल हो जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा, मुस्कुराएगा। आई होप आप भी मुस्कुरा रहे होंगे ट्रीटमेंट जानने के बाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। सो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।